बहराइच में मुहर्रम के जुलूस में दो पक्षों के ताजियादारों के बीच पथराव का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि डीजे को लेकर इनके बीच पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। नानपारा कोतवाली इलाके की ये वारदात है। बंजरिया करबला पर ताजिया ले जाते वक्त ताजियादारों में पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो वायरल है। तो देख सकते हैं आप, बताया जा रहा है डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, पथराव का ये वीडियो सामने आया। हादसे में मरने वालों की संख्या, माफ कीजिएगा, मुहर्रम जुलूस के दौरान ये पथराव हुआ है, जहां पर दो पक्ष के ताजियादार आपस में भिड़ गए और ये पथराव हुआ है। डीजे बजाने को लेकर बताया जा रहा है विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो बीच बचाव में आ रहे लोगों पर भी पत्थर बरसाए जा रहे थे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ताजियादारों के बीच में ही ये लड़ाई हुई, विवाद हुई और विवाद के बाद पत्थरबाजी की नौबत आ गई। बहराइच की ये खबर, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। नानपारा कोतवाली इलाके की वारदात, बंजरिया करबला पर ताजिया ले जाते वक्त ताजियादारों में पत्थरबाजी हुई है। तो दो पक्ष के ताजियादार आपस में भिड़ गए और विवाद बढ़ गया। गोंडा में ट्रेन हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर है। हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे एक और शव मिला, गिट्टी के अंदर से शव को निकाला गया। लगभग 800 कर्मी यहां पर काम में लगे हुए थे। तो मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे एक और शव अब बरामद हुआ है। देवमणि त्रिपाठी फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवमणि, अब बताया जा रहा है एक और शव मिला, मरने वाले लोगों की संख्या 4 हो गई है। देखिए, जिस तरह से पटरियों पर दुरुस्त करने का काम चल रहा है, बिजली लाइन को ठीक करने का काम किया जा रहा है, उस दौरान जब गिट्टी हटाई गई है तो उसके नीचे से एक शव मिला है। बताया जा रहा है कि चूंकि 19 बोगी डिरेल हुई थी, तो ऐसे में एसी के अलावा कुछ और भी अगल बगल के जो कोचेस थे उनमें भी इस तरह की चीजें थी, लोग यात्री थे। तो एक शव को बरामद करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। हालांकि इसकी अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है, पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अब तक एक चंडीगढ़ का, एक बिहार का, एक रात में जो शव मिला था अज्ञात, ये भी अज्ञात शव है। ऐसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। 2 की पहचान की जा चुकी है, 2 की पहचान होना बाकी है। अभी आई कार्ड वगैरह चेक किया जा रहा है और भी जो जिला प्रशासन के यहाँ पे जो मेडिकल टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर लगातार बनी हुई हैं, और वो क्योंकि यहाँ पर मौके पर जीएम रेलवे भी हैं और वो लगातार ये कह रही हैं कि पटरियों को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और जल्द ही रूट को बहाल किया जाएगा। हाँ, इस दौरान शव जरूर मिला है, ऐसे में ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पटरियों को दुरुस्त करने में, कोच को हटाने में, या गिट्टी को जो नीचे का बोल्डर और तमाम सारे जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें और शव हो सकता है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। देवमणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका। नोएडा से बड़ी खबर, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। घर का बिल 4,02,00,000 रुपए भेजा गया। 24 जुलाई तक जमा करने का समय दिया गया। रेलवे कर्मचारी के घर ये बिल भेजा गया। हर महीने आता था 1,000 रुपए का बिल। सेक्टर 122 में है रेलवे कर्मी का घर और रेलवे कर्मचारी फिलहाल ट्रेनिंग पर हैं। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। हिमांशु, बिजली विभाग की इसे बड़ी लापरवाही कहे तो गलत नहीं होगा? देखिए, जिस तरीके से ये बिल आया है 4,02,00,000 रुपए का, एक आम व्यक्ति जिसका प्रति माह जो बिल आता था वो 1,000 से 1,500 के बीच में आता था, और एकदम से 4,00,000,4 करोड़ रुपए बिल आ जाना जाहिर तौर में चौंकाने वाला है। और वो व्यक्ति जो है वो रेलवे में बतौर कर्मचारी तैनात है और फिलहाल शिमला में ट्रेनिंग पे गया हुआ है। और जिस तरीके से मैसेज आया, मैसेज आने के बाद वो चौंका और उसने ये जानकारी अपने RWA अध्यक्ष को दी
और आरडब्ल्यू अध्यक्ष की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस तरीके की खामियां पहले से भी हैं और बिजली विभाग इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है, जिससे आम आदमी उपभोक्ता को परेशानी होती। लिहाजा इस तरीके का प्रकरण आने के बाद जो बिजली विभाग के अधिकारी, उनका कहना है कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लापरवाही करते हुए एक आम व्यक्ति को, एक आम उपभोक्ता को 4 करोड़ रुपए का जो बिल है वो भेज देना, तो जाहिर तौर पे सवालिया निशान उठाता कार्यप्रणाली पर। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। यूपी में धार्मिक त्योहार और धार्मिक यात्रा को लेकर नए नियम बनने के बाद सियासत तेज हो गई है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर आए दिन आदेश से सियासी वार पलटवार चरम पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के आदेश के बाद सियासत तेज हो गई है। दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के आदेश के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? कोर्ट इस पर खुद संज्ञान ले, इसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा की जाँच हो, जाँच के बाद उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है, सौहार्द शांतिपूर्ण वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया के जरिए यूपी पुलिस के आदेश पर निशाना साधा। ओवैसी ने यूपी पुलिस के फैसले का कड़ा विरोध किया है। ओवैसी ने इस फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद लोगों ने दुकान के बाहर नाम वाले होर्डिंग लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों पर नाम लिखने के मामले का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए जारी किया गया है, जिसे हम नहीं होने देंगे। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। ये करना, जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। दुकान पर नाम लिखे जाने का जहां मुस्लिम नेता और अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, वहीं से लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि सभी दुकानदारों को अपना सही नाम लिखना चाहिए, किसी दूसरे धर्म के लोगों को धोखा देना सही नहीं है। कोई न कोई शासनादेश या नियम पारित होता तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, कहीं कोई कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे आदमी गलत न काम करे उसके लिए कानून हो सकता है, बनाया गया हो, उसके बारे में तो पुलिस विभाग ही बताओ। लेकिन मैं इतने कहूंगा कि जो मालिक हो कोशिश करके कि खुद अपने चलाए और अपने धर्म, अपने जाति, अपने समाज, अपने प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, न कि समाज में भ्रम फैला के काम करना चाहिए। इनका मकसद ये है कि वो कांवड़िए जो यात्रा लेकर जाएंगे वो ये पता कर सकें कि ये दुकान मुसलमान की है और इससे कुछ नहीं खरीदना है। ये जो बयान दिया गया है वो इस नज़रिए से दिया गया है ताकि मुसलमानों की दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए और पता चल जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। अभी जो इनकी दशा हुई है लोकसभा में, ये इन्हीं हरकतों की वजह से हुई है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश के खिलाफ ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत की गई है। TMC सांसद ने इसे लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ मामला